वेलकम स्टूडेंट्स इन दिस नादर वीडियो लेक्चर ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। हम चैप्टर नंबर 2 एस्टिमेशन को देख रहे हैं। आज हम क्वालिटीज़ ऑफ एन एस्टिमेटर देखेंगे कि अच्छे आगणक या जो आकलन करते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या उनके क्या विशेषताएं गुण होने चाहिए उनमें, ताकि वो सही तरीके से एस्टिमेशन प्रोसीजर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकें। तो हर व्यक्ति जिस तरीके से एस्टिमेशन को हमने डिफरेंसेस में देखा कि एस्टिमेशन करते समय उस व्यक्ति का इंजीनियर होना लाभदायक होता है, ताकि वो अच्छे से उस एस्टिमेशन को कर सकता है, जिससे कि ना तो वो एस्टिमेशन अंडर एस्टिमेशन हो या ओवर एस्टिमेशन हो। तो इन दोनों में फ़र्क उसको पता है कि अंडर एस्टिमेशन करने से क्या होता है, और यदि हुआ है तो ही कैन कंट्रोल द सेम एंड टू ब्रिंग द एस्टिमेशन एट द प्रॉपर लेवल। अब पहला है इसमें क्वालिटीज ऑफ एस्टिमेटर में, आगणक को संयंत्र की पूर्ण जानकारी तथा, मैं कर्सर को लाता हूँ, आगणक को संयंत्र की पूर्ण जानकारी तथा विभिन्न मशीनों की क्षमता का ज्ञान होना चाहिए। आपके पास जो एस्टिमेटर है उसको जो भी प्लांट का एस्टिमेशन वो कर रहा है उसकी पूर्ण जानकारी होना चाहिए। ऐसी कोई भी छोटी से छोटी चीज़ जो उस प्लांट को इस्टेब्लिश करने के लिए, प्लांट एस्टिब्लिश क्यों करना, बिकॉज वी हैव टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट को बताने के लिए, बनाने के लिए उस प्लांट में लगने वाले संपूर्ण जानकारी की मालूमात उसको होनी चाहिए, और उस साथ ही साथ उस प्रोसेस में यूज़ होने वाली विभिन्न मशीनों की कैपेसिटी का भी अंदाज़ा नहीं पूरा ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि यदि आप मशीन को भी अंडर एस्टिमेट करेंगे और आपकी कैपेसिटी इन फ्यूचर आपको बढ़ानी है तो आप इसे भी अपने अध्ययन में लेते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपके निर्माण हेतु आपको मात्र 4 लेथ्स की ज़रूरत है और आपने जो प्रोडक्शन की जो प्लांट है उसको डिज़ाइन करने के लिए सिर्फ 5 मशीनों को निर्धारण करके आपने उसको बनाया है, तो वो काम करेगा, ऑफकोर्स कैपेसिटी भी करेगी, लेकिन यदि आपको फ्यूचर कैपेसिटी बढ़ानी तो आपको एक अलग प्लांट या ज़मीन या शेड या उसमें लगने वाले विभिन्न आइटम्स को फिर से स्ट्रक्चर खड़ा कर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये आगे आज की तो बात है, लेकिन संयंत्र की कैपेसिटी जब यदि हमको फ्यूचर में भी बढ़ानी है, भविष्य में भी उसको बढ़ाना है, तो हमें इन सबको सही तरीके से एस्टिमेटर को सही तरीके से समझना एवं उनका संपूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। उसे निर्माण हेतु वांछित पदार्थों की मात्रा तथा गुणों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आपको याद होगा जब भी हम मटेरियल टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो हमने डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट भी पढ़ा, तो हमें पता है कि हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी मटेरियल की पता होनी चाहिए, उसका संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मटेरियल भी आप जानते हैं कि एक तरीके का नहीं होता, कई तरीके के मटेरियल हमें अवेलेबल होते हैं, तो उस पर्टिकुलर संयंत्र के लिए किस तरीके के पदार्थ, रॉ मटेरियल्स आपको लगेंगे, उनकी क्या आपको क्वांटिटी चाहिए और उनके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, नॉट मैकेनिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी, ये सारे की जानकारी उस एस्टिमेटर को होना अनिवार्य है। और यदि नहीं है तो चूंकि वो इंजीनियर है तो उसने कभी ना कभी पढ़ रखा है, वो उसकी जानकारी एकत्र बहुत आसानी से समझ कर सकता है। दैट्स वाई आई एम ऑन कीप ऑन इंसिस्टिंग कि इंजीनियरिंग करते समय हम चूँकि सारे सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं तो हम काफ़ी आसानी से इसे समझ के और इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। उसे संयंत्र में प्रयोग हो रहे विभिन्न औजारों, जिग्स एंड फिक्सचर्स की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए तथा एक पूर्ण योग्य तथा तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित व्यक्ति होना चाहिए। यानी कि सिर्फ मशीन ही सिलेक्शन करने से नहीं, यदि आपको कोई स्पेशल जिग एंड फिक्सचर चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, सपोज ड्रिल करने के लिए
आपने ड्रिल मशीन खरीद ली लेकिन आपने उसका जीकेन फिक्सचर नहीं बनाया, हर बार आपको जो जॉब है उसको मशीन वाइज में टाइट करके फिर ड्रिलिंग करनी पड़ रही है। तो यदि आप इस तरीके से अप्लाई करते हैं तो फिर ये निश्चित है कि आप जो औजार हैं या उनके जिगन फिक्सचर हैं उसको आप सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं और आपका मैन्यू लेबर जो है वो इस तरीके से मैनुअल फिटिंग्स को हर बार जॉब को टाइप करके मशीन वाइज में करके वेस्ट हो रहा है। तो इसका भी हमें संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए और यदि जिगन फिक्सचर का प्रयोग होना तय है तो हमें और मार्केट में अवेलेबल नहीं है, सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अभी हमने डिस्कस किया कि भाई जिगन फिक्सचर आपने ड्रिलिंग के लिए फिक्स किया लेकिन आपके पास ड्रिलिंग मशीन के को फिक्स करने के लिए उस तरीके का जिगन फिक्सचर नहीं है, तो आप डिज़ाइन करिए और डिज़ाइन करके फिर नया जिगन फिक्सचर को सिलेक्ट करके फिट करिए। वह विभिन्न नेक्स्ट है, वह विभिन्न प्रकार की ड्राइंग तथा ब्लूप्रिंट को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। आप जानते हैं इंजीनियरिंग में हमें जब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं फर्स्ट ईयर में ही हमें किसी न किसी सेमेस्टर में आइदर फर्स्ट और सेकंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का डिटेल अध्ययन करवाया जाता है। इन द सेम फैशन व्हेन वी गो टू थर्ड सेमेस्टर हम मशीन ड्राइंग का अध्ययन करते हैं। क्यों करते हैं? सिर्फ इसीलिए कि हम आने वाले समय में जब हम किसी भी काम को करें तो उसके ड्राइंग को बहुत अच्छे से पढ़कर समझ सकें। ब्लूप्रिंट क्या होता है? किसी भी प्रोसेस को जब वो फाइनलाइज हो जाती है तो उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है जिसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। फिर उसका कोई करेक्शन साधारणतया नहीं होता है। उसी ब्लूप्रिंट के माध्यम से हम किसी प्लांट को इरेक्ट करते हैं, मतलब खड़ा करते हैं, और उस खड़ा करने के बाद हम उस प्लांट से प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक ब्लूप्रिंट इज द फाइनल, लेकिन ब्लूप्रिंट पे सारे ड्राइंग्स की डिटेल्स नहीं रहती, वो एक जीए ड्राइंग रहता है, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग जिसे कहते हैं। तो जो एस्टिमेटर है वो इस ड्राइंग और ब्लूप्रिंट को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट, उसे सभी प्रकार के श्रमिकों की पारिश्रमिक दरों के बारे में पता मालूम होना चाहिए, यानी कि इंडस्ट्री में मौजूद सिलेक्टिवली आपको जिस तरीके के लेबर चाहिए, जिस तरीके का लेबर चाहिए। सपोज आपकी मशीनिंग का प्रोडक्ट है तो आपको मशीनिस्ट की दर मालूम होनी चाहिए, लेथ मशीन ऑपरेटर कितना पैसा लेगा या मिलिंग मशीन ऑपरेटर कितना पैसा लेगा, वेल्डर का क्या रेट चल रहा है एक्सेट्रा, जिससे कि आप जब उसका एस्टिमेशन बनाएं तो वो सही एस्टिमेशन आप निर्धारण कर सकें। सारे लेबरों की पेमेंट एक जैसे नहीं होती है, कुछ स्किल्ड होते हैं, कुछ अनस्किल्ड होते हैं और कुछ सेमी स्किल्ड होते हैं। यानी लेबर को हम कितने कैटेगरी में बांटते हैं? तीन कैटेगरी में। एक स्किल्ड, जिनको एक पर्टिकुलर काम में वो स्किल होता है उनका। दूसरा सेमी स्किल्ड, यानी कि वो स्किल से नीचे रहते हैं और अनस्किल्ड से थोड़ा ऊपर, उनको काम आता है लेकिन वो उन्होंने कभी हैंडल नहीं किया और हुआ रहता है, उसे हम सेमी स्किल्ड कैटेगरी में डालते हैं। और अनस्किल्ड, जिनको कोई भी काम नहीं आता, वो सिर्फ मजदूरों की तरह से हम उनसे काम ले सकते हैं, किसी सामान को एक जगह से दूसरे सामान दूसरी जगह रखना या होने वाले काम में किसी की मदद लेना, जिसे कि हेल्पर कहते हैं। उस तरीके से हम उनका प्रयोग करते हैं अनस्किल्ड लेबर में। तो इनकी क्या दरें चल रही हैं और किस दर पर लेबर मिलेगा कि नहीं, इसकी पूरी संपूर्ण जानकारी इस एस्टीमेटर को पता होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है, उसे विभिन्न प्रकार के अलाउंसेस जैसे पर्सनल अलाउंस, फटीग अलाउंस, टूल चेंजिंग अलाउंस, चेकिंग अलाउंस आदि के बारे में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। हमने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पढ़ा है कि जब हम किसी मशीन पर काम करते हैं तो उस मशीन पर काम करते समय उसमें कई तरीके के, जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें कई तरीके के अलाउंस लगते हैं। सपोज़ एक मशीन में आपको दो तरीके के टूल चेंज करने हैं तो टूल चेंजिंग अलाउंस, पर्सनल अलाउंस, टॉयलेटरी या बाथरूम या फटी, ज़्यादा काम करने से उत्पन्न होने वाला जो तनाव है उसको मुक्त करने के लिए फटी अलाउंस, इस सब का अलाउंस करके हम एक टाइम स्केल निकालते हैं कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना समय लगेगा। यह सारा अध्ययन हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के माध्यम से बखूबी
सीख चुके हैं। तो एस्टीमेट को इन सब का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये डिफरेंट अलाउंसेस क्या क्या होते हैं और देने चाहिए, लगते ही हैं और देने चाहिए, तो उस प्रोडक्ट के हिसाब से या होने वाले फटीग तनाव के हिसाब से हर प्रोसेस का आपको अलग अलग अलाउंसेस होगा। सिर्फ फॉर एग्जांपल यदि आप मशीन में काम कर रहे हैं तो आपको टूल चेंजिंग अलाउंस ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन यदि आप वेल्डिंग में काम कर रहे हैं तो शायद आपको फटीग अलाउंस ज़्यादा देना पड़ेगा, बिकॉज इफ़ वेल्डर कंटिन्यू वेल्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम फटीग ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, सो ही नीड्स सम टाइम से 5 to 10 minutes ब्रेक जैसा, जिससे कि वो रिफ्रेश हो सके और फिर से काम पर कर सके। और यदि हम अलाउंसेस ये नहीं देंगे तो क्या होगा, ये नहीं देंगे तो एट रैंडम वर्क होगा, वर्कर को यदि अलाउंसेस नहीं मिले तो ये वो उस काम को इफ़िशियंटली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जिससे कि हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन सफ़र होगा। तो हमको जब समय की गणना कर रहे हैं और उस हिसाब से ही हमको लेबर को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, इसे प्रत्येक ऑपरेशन के लिए निर्धारित स्टैंडर्ड टाइम के बारे में मालूम होना चाहिए। ये सेम जैसे अभी हमने अलाउंसेस देखे, आप इस पॉइंट को इसी के साथ जोड़कर देख सकते हैं जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट, वह पूर्णतः प्रशिक्षित तथा योग्य होना चाहिए जो उत्पादन लागत को कम कर सकने के लिए नई विधियों के बारे में अपनी सलाह दे सके। यानी कि वो जिस भी प्रोसेस के लिए एस्टीमेटर को आप रख रहे हैं या आप एक नया प्लांट खड़ा कर रहे हैं, तो ही मस्ट बी वेल अवेयर द लीडिंग टेक्नोलॉजीज अवेलेबल विद इन देयर रीच, और उस नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए यदि वो सही तरीके से काम करेगा तभी जो उत्पादन लागत है, प्रोडक्शन कॉस्ट, उस प्रोडक्ट की कम होगी। अन्यथा यदि ओल्ड टेक्निक्स को ही ध्यान में रखकर काम किए तो हमको नेक्स्ट इन फ्यूचर एक तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने में, दूसरा उत्पादन लागत कम करने में असुविधा होगी, हम उसको कभी भी नहीं करेंगे। तो एस्टीमेटर को ये इसमें पूर्णतः प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, और यदि नहीं हो तो आपको उसे सिलेक्ट नहीं करना है। उसे अपने कार्य में व्यवस्थित होना चाहिए एवं उसे क्षेत्र मिति मेंसुरेशन का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उसे अपने कार्य में व्यवस्थित होना चाहिए यानी कि ही शुड नो हिज वर्क वेरी वेल। और ये जो मेंसुरेशन है, ये हम थर्ड यूनिट है, जो इसके बाद की यूनिट है उसको हम मेंसुरेशन को उसमें देखेंगे ही, और उसका अच्छा नॉलेज होना ही चाहिए। और मेंसुरेशन को के ऊपर आधारित ही हमारी नेक्स्ट और मेन यूनिट नंबर 3 है। नेक्स्ट है, उसे अन्य विभागों जैसे डिज़ाइन, नियोजन एवं विक्रय विभाग का सहयोगी होना चाहिए। यानी कि उसको आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ डिज़ाइन, हाउ डिज़ाइन इज़ मैन्युफैक्चर्ड, कैन इट बी पॉसिबल टू मॉडिफाइड द सेम। नियोजन मतलब प्लानिंग, किस तरीके से प्लान करें ताकि सही ढंग से हम प्रोडक्शन ले सकें, लो कॉस्ट प्रोडक्शन। और सेल्स डिपार्टमेंट, जो प्रोडक्ट हमने बनाया है क्या उसे वो सेल कर सकता है इजीली, इस तरीके से हम को उसे एस्टीमेटर को इन सब को सबका नॉलेज होना ज़रूरी है। डिज़ाइन, प्लानिंग और सेल्स, ये तीनों मुख्य पार्ट हो जाते हैं जैसे आपका प्रोडक्ट बनता है। और डिज़ाइन क्यों हो जाता है, क्योंकि डिज़ाइन एक बार बना है और यदि जब कस्टमर फीडबैक आता है, तो हमने डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट भी देखा है कि जिस तरीके से जब हम कोई किसी को डिज़ाइन करते हैं और उसमें यदि कोई मॉडिफ़िकेशन आता है तो ये मॉडिफ़िकेशन डिज़ाइनर के पास में जाके एस्टीमेटर ही उसको करेक्ट करके फिर से भेजता है, मॉडिफ़िकेशन करता है जिस भी प्रोसेस में, जिस भी मशीन पर, जहाँ पर भी उसको मॉडिफ़िकेशन करना है। विथ थ्रू प्लानिंग जो बन गए उसमें भी आपको एडिट वो करना पड़ेगा। और सेल्स डिपार्टमेंट इन सब को जानते हुए लास्ट में कस्टमर के पास वापस वो नया प्रोडक्ट ले जाकर सेल करता है या उसे उनको बेचता है। लास्ट पॉइंट है कि उसे कॉस्ट अकाउंटिंग का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह लागत विश्लेषण शीट एवं व्यक्तित्व कॉस्ट एनालिसिस शीट्स एंड स्टेटमेंट का अध्ययन कर सके। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग का की जानकारी के लिए मैंने आपको पहले भी बताया
कि जिस तरीके से आप बी कॉम या एम कॉम जो रहते हैं वो उसके बाद चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स करते हैं, ठीक उसी तरीके से कॉस्ट एनालिसिस का भी अध्ययन आप कर सकते हैं आफ्टर आफ्टर डिप्लोमा। और ICW है जो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए भिलाई में है, और यहाँ से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो ये एस्टीमेटर जो रहता है वो हमेशा यह कॉस्ट एनालिसिस करता है, और उसको कॉस्ट अकाउंटिंग का ज्ञान होना चाहिए। ये उसी परिप्रेक्ष्य में लिखा है जो जैसे हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया द ICW कोर्स। तो यदि ये वो होगा तो वो कॉस्ट को काफ़ी अच्छे से अध्ययन करके उसको रिलेट कर सकता है, उसमें जो खामियां हैं उसे सुधार सकता है, और इस तरीके से उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता है, ताकि अल्टीमेट एम हो कि वॉट एवर प्रोडक्ट इज़ मेड उसकी कॉस्ट बहुत कम हो। और कॉस्ट कम होने के कारण वो बाज़ार में उपलब्ध मौजूदा प्रोडक्ट से सही तरीके से कम्पिटिट कर सके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू वेरी मच।